नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रोफेशन पर। दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। जो लोग यहां पर यूपी ट्रिपल एससी यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों को ये जानकारी मिल चुकी होगी, लेकिन जिन लोगों को अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई है, ये वीडियो मेरा थोड़ा सा लेट है, तो ये उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है यानी कि यूपी ट्रिपल एससी, इसमें यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक की 1186 पदों पर यहाँ वैकेंसी निकाली जा चुकी है। आज की नोटिफिकेशन है और आज यहाँ पर 1186 वैकेंसीज पर आपकी यहाँ पर नोटिफिकेशन निकाली जा चुकी है। आप यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये नोटिस देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये सारी डिटेल मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, कब से यहाँ पर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, कब तक फॉर्म अप्लाई होंगे और कितनी यहाँ पर पोस्ट है। आपको मैंने जैसा कि बताया 1186 पोस्ट हैं और सारी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगर बात करता हूँ इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन की तिथि स्टार्ट हो रही है ये आपकी 26/6/2019 यानी कि 26 जून 2019 से आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो प्रारंभ होने की तिथि वो 26/6/2019। अब यहाँ पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं फॉर्म सबमिट करने की अंतिम जो तिथि है ये आपकी 20 जुलाई 2019 है और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है ये 27 जुलाई 2019 है। तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि है वो है आपकी 20 जुलाई 2019 और आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो है 27 जुलाई 2019। तो इन डेट्स के बीच में आप लोग अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, तो बाकी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, इस फॉर्म में आप लोग देख पाएंगे, पूरी डिटेल आपको दी गई है, फॉर्म कैसे बना है, क्या सारी चीज़ें उसमें यूज की गई हैं सारी चीज़ें। हाँ, अब हम यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं पहले आवेदन शुल्क की। तो दोस्तों यहाँ पर कितना आवेदन शुल्क रहने वाला है किस कैटेगरी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं अनारक्षित सामान्य वर्ग यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आपका आवेदन शुल्क है 160 रुपये, ऑनलाइन शुल्क इसमें प्लस 25 रुपये जुड़ेगा और इस प्रकार से 185 रुपये आपका यहाँ पर आवेदन शुल्क आपका पड़ेगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आपका 160 रुपये प्लस 25 यानी 185 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 70+25 यानी कि 95, अनुसूचित जनजाति के लिए 70+25 यानी कि 95 और विकलांग जन हेतु 25 रुपये यहाँ पर आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों ये डेट्स मैंने बता दी हैं यहाँ पर और आवेदन शुल्क भी आपको यहाँ पर बता दी है। आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि इसका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या रहने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर जो फॉर्म है वो किस जो है डिपार्टमेंट में कितने यहाँ पर वैकेंसीज हैं। आप लोग ये डिटेल से इस नोटिफिकेशन को ऑफिशियल साइट से अपलोड करके देख लीजिएगा। ये देख सकते हैं आपका परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश संभागीय शाखा, परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश मुख्यालय संभाग, सर्वे कमिश्नर, ये सारी चीज़ें हैं और इसमें सब में देखिए अलग अलग यहाँ पर पोस्ट आपको बताई गई हैं कि किस डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में यहाँ से देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 1186 पोस्ट हैं, ठीक है, और बाकी आपका जो रिजर्व कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दे दी गई हैं आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की, फिर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, कुलपद, ठीक है, और ये स्वतंत्रता संग्राम, विकलांग, महिला, ये सारी अलग अलग यहाँ पर पोस्ट दे दी गई हैं आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर महिलाओं के लिए देखिए 227 पद यहाँ पर शायद रिजर्व हैं और बाकी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 659 पद हैं और इसी तरह से ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है एग्ज़ाम के लिए वो आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा इसकी जो एलिजिबिलिटी यहाँ पर दी गई है, तो अनिवार्य आर्यता यानी कि जो एलिजिबिलिटी है इसकी वो है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा जो सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण की हो, यानी कि 10+2 आपकी यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। साथ में आपको जो हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी की 25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की 30 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति आपकी आवश्यक है टाइपिंग की, तो ये भी आपके यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। यहाँ पर पहली एलिजिबिलिटी आपका 10+2 होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ आपकी हिंदी और अंग्रेज़ी में टाइपिंग आनी चाहिए जिसमें हिंदी की टाइपिंग
25 शब्द प्रति मिनट और इंग्लिश की टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। थर्ड आपकी जो अनिवार्य एलिजिबिलिटी है वो है आपकी ट्रिपल सी, यानी कि इसमें ट्रिपल सी भी मांगा गया है। जिन लोगों के पास ट्रिपल सी नहीं है वो यहाँ पर ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। बाकी अधिमानी आर्यताएँ हैं ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और तो ये थी यहाँ पर कुछ एलिजिबिलिटी। और बाकी यहाँ पर आप एज लिमिट आप देखते हैं तो 18 से 40 साल, जैसा कि जो है यूपी ट्रिपल सी आयोग हमेशा से एज लिमिट लगाता आ रहा है, वो सारी यहाँ पर पूर्ववत हैं। और अभी आई थिंक मैंने इस नोटिफिकेशन को देखा है, इन्होंने परीक्षा का जो पैटर्न है अभी तक हमें इसमें डिस्कस नहीं किया है, तो उसको अगर ये आगे बताते हैं तो देखते हैं। अदरवाइज बाकी सारी चीज़ें आप कॉमन है, जैसे कि यूपी ट्रिपल सी डिपार्टमेंट में हिंदी का आना ही रहता है, जीएस भी आता है, लगभग रीजनिंग आती है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी प्रिपेयर करके ही चलना है। तो सारे एग्जाम्स के लिए, इसके जो भी एग्जाम होते हैं सभी एग्जाम में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कॉमन चीज़ें हैं, तो इन सारी चीज़ों को आपको लेकर साथ में चलना है। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो जिन लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है, ये 26 तारीख से आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर आने की 26 तारीख जैसे कि आज ही है और आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो ये थी दोस्तों नोटिफिकेशन। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।